उपस्थित मेरे सारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मीनाक्षी लॉ कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज की छात्रा हूँ, जो आप सभी के सामने आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद आपको पता है, आप लोग इस बारे में जानते हैं लेकिन आप लोग समझ कर भी समझ नहीं पाते। जैसे कि कोई आपकी बॉडी को छूता है, टच करता है, तो आपको यह समझना होगा कि वह गुड टच है या बैड टच। गुड टच जहां आपको प्यार का एहसास दिलाएगा, वहीं बैड टच आपको अंदर से ऐसी जुझलाहट पैदा करेगा जो शायद आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। ऐसा टच आपको, ऐसा दुर्व्यवहार आपको बिल्कुल पसंद ना आए। बच्चों, आपको अगर किसी के द्वारा, चाहे वे आपकी कोई फैमिली मेंबर, आपके कोई पड़ोसी या आपके कोई मित्र, या तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप जानते हो, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप ना भी जानते हो, आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आप सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाएं, उन्हें इस बारे में जानकारी दें। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अगर कोई आपको ऐसी बातें बताने के लिए डराता है, धमकाता है, फिर भी आपको उनकी बात नहीं सुनना है। आपको अपनी मम्मी पापा को इस बारे में जाकर बताना है, क्योंकि मम्मी पापा ही है जो आपकी ऐसे मामले में हेल्प कर सकते हैं। आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, ठीक है? उसके बाद शायद आपको ये पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को लालच या झांसा देकर दूसरे शहरों में ले जाकर बेच रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लोगों की झांसे में, लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर वो आपको किसी तरह का भी लालच दें, फिर भी आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। आपको पता है कि सरकार ने हमें एक हेल्पलाइन नंबर दी है, जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ, 1098। आप इस पर कॉल कर अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। अगर किसी कारण से आप इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और नंबर नोट कर लें, 100, यानी कि 100। इस नंबर पर कॉल कर आप सहायता मांग सकते हैं। ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सहायता तुरंत पहुँच जाएगी। इसके साथ ही आपको मैं आज और एक बात बताने जा रही हूँ, अपने साथ सुना है या नहीं भी सुना है, पॉस्को एक्ट के बारे में। ये हमें हमारी सरकार द्वारा दी गई सुविधा है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दी गई है। इसमें अगर कोई भी आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो सरकार उन्हें सजा देती है, उन्हें ऐसी हरकत करने के लिए पनिशमेंट मिलती है जो